नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में 3 ज़िलों के लिए बड़ा तगड़ा अलर्ट जारी हुआ है, जिसके कारण लोगों को सख्त सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। क्या खबर है विस्तृत रूप से आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल के 3 ज़िलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी, मानसून की बारिश सामान्य से 38% कम। हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िलों शिमला, सिरमौर और कांगड़ा में सुबह 11:30 बजे तक अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है। इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं इस बार प्रदेश में मानसून की गति धीमी है। पूरे मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। प्रदेश में एक भी ज़िला ऐसा नहीं है जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई हो। इसका सबसे ज़्यादा असर सेब की फसल पर पड़ रहा है। प्रदेश में 1 जून से 23 जुलाई तक 285.2 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 175.6 मिलीमीटर ही बादल बरसे हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर और ऊना ज़िलों में सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग की बार बार चेतावनी के बावजूद अच्छी बारिश नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश हुई है। वहीं बारिश नहीं होने से सेब की तैयार फसल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सेब के बगीचों में कई बीमारियां लग गई हैं। बगीचों में नमी नहीं होने की वजह से सेब का अच्छा साइज नहीं बन पा रहा है और कई क्षेत्रों में ड्रोट की वजह से सेब के दाने फट रहे हैं। इससे बागवानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। सेब के अलावा टमाटर, फूलगोभी, शिमला मिर्च पर भी सूखे की मार पड़ना शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर ये रही बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िलों जिसमें शिमला, सिरमौर और कांगड़ा में आज सुबह 11:30 बजे तक अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। दूसरी तरफ हिमाचल में कम बारिश होने की वजह से सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। तो अभी के लिए ये रही बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।